पीपल्स पार्टी का मुतालबा है आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जिला मलीर में मीडिया से गुफ्तगू, पाकिस्तान के अवाम पर तजर्बे करना बंद कर दें। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन पीटीआई का नाम लिए बगैर कहा जो आज कल जेल में है उनके लिए पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत की शिरकत, चारों सूबाई वज़रा आला और चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। इजलास में मुमकिना बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर गौर किया गया। इजलास कल दोबारा होगा। ऑडियो लीक्स कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हुकूमती एतराजात मुस्तरद, पीडीएम हुकूमत की दरख्वास्त खारिज। तहरीरी फैसले में कहा गया वफाकी हुकूमत ने हथकंडे इस्तेमाल करके ताखीर की, अदालत की बेतौकीरी की गई। हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गई। वज़राए सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के उन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में परवेज़ इलाही केस की समाअत, अदालत ने 10 रोज़ का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। परवेज़ इलाही को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। समाअत के बाद चौधरी परवेज़ इलाही का तफ्तीशी अफसर के साथ जाने से इनकार, कहा अब मैंने आपके साथ नहीं जाना, अदालत ने अडयाला भेजा है। पुलिस अफसर ने कहा सर जिस बख्तरबंद में आए उसमें AC लगा हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही ने जवाब दिया आप पहले वाले काम ना करें, अब मैं उस गाड़ी में नहीं जाऊँगा। मुल्क की मुख्तलिफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के सैकड़ों अफसर तब्दील कर दिए गए। लाहौर में लेस्को के 351 अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी। ग्रेड 17 से 18 के अफसरान के तबादले, लेस्को के 21 सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर्स को तब्दील कर दिया गया। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 314 अफसर तब्दील। फैसलाबाद के 230 अफसरान के तबादले, तबादले वजारत तवानाई के अहकाम पर किए गए। चीनी स्कैंडल पर निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन, FIA को 13 बड़े डीलर्स के नाम मिल गए। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डीलर्स के हाथ आने पर शुगर मिल्स मालिकान के पकड़े जाने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने डीलर्स की तफसील वफाकी हुकूमत और FIA को भिजवा दी। स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन ने असर दिखा दिया। चीनी की कीमत में मुसलसल कमी होने लगी। गुजरावाला में 175 रुपये फी किलो, मुल्तान और पेशावर में 174 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी। बलूचिस्तान में मीठे का बढ़ता रेट काबू में आ गया। कोयटा में 190 रुपये फी किलो फरोख्त जारी। पंजाब में महंगी गंदम ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया। फ्लोर मिल्स ने 20 किलो के थैले की कीमत में 20 से 40 रुपए इजाफा कर दिया। फ्लोर मिल्स एक्स मिल कीमत 2700 से 2760 रुपए। लाहौर में गंदम 4740, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4810 रुपए फीमन हो गई। महकमा खुराक पंजाब ने वफाकी हुकूमत से 5 लाख टन सरकारी गंदम मांग ली। चित्राल के गयूर आवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया है। चित्राल के गयूर आवाम और पाक फौज किसी भी दहशतगर्द को चित्राल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। DC चित्राल का बयान। मजीद कहा चित्राल में तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल और बाजार खुले हैं। आपको यकीन दिलाता हूं चित्राल में सूरत हाल काबू में है।